नमस्ते जी इक्कीस फरवरी को महाशिवरात्रि है सदा शिव ध्यान में निमग्न रहते हैं उनकी तपस्या भंग ना हो इसीलिए भक्तजन नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोल देते हैं लेकिन इसकी भी एक विधि होती है इस वीडियो में यही जानेंगे सर्वप्रथम दोस्तों याद रखिए मंदिर में कदम रखते ही अपने हाथ पैर धो लीजिए मंदिर में कदम रखते ही सबसे पहले दर्शन मिलता है नंदीश्वर का मंदिर के भीतर जाने से पूर्व परिक्रमा लगाना ना भूलें। महादेव के मंदिरों की अर्थ परिक्रमा लगाई जाती है मंदिर की आधी परिक्रमा यानी कि मंदिर के आधे तक चले फिर वापस मुड़े यह एक परिक्रमा कहलाएगा इस तरह तीन परिक्रमाएं लगाएं। परिक्रमा लगाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि नंदी और शिवलिंग के बीच के रास्ते से परिक्रमा ना लगाएं, यानी नंदी के मुख के सामने से परिक्रमा ना करें यह इसलिए क्योंकि नंदी और शिव जी के बीच कोई नहीं जा सकता अब मंदिर में प्रवेश करते हैं प्रवेश करने से पहले नंदी को नमन करें शिवलिंग का दर्शन सर्वप्रथम नंदी के दोनों सिंह के बीच से करें नंदी के एक सिंग पर अपने दाहिने हथेली के अंगूठे को रखकर, दूसरे सिंग पर अपने दाहिने हथेली के बाकी चार अंगुलियों को रखकर, यह त्रिकोण आकार जो बनता है इसके थ्रू आप शिवलिंग को देखेंगे इसके बाद आप मंदिर प्रवेश करें घंटी बजाएं। शिव मंदिर में आपको गणेश जी दर्शन देते हैं तो सर्वप्रथम गणेश जी की विधिवत पूजा करें अब आप शिवलिंग की आप विधिवत पूजा करें फिर जब आप दर्शन करके पूजा करके मंदिर से बाहर आए तो नंदी के सामने एक दिया अवश्य जलाए नंदी जी को फूलों की माला चढ़ाए प्रसाद में फल चढ़ाए यहाँ भी ध्यान कीजिए कि की नंदी के मुख के सामने खड़े होकर पूजा ना करें। आप तो ये बात जानते हैं कि भगवान शिव महान तपस्वी है इसलिए वे हमेशा समाधि में बैठे रहते हैं लेकिन वे बंद आँखों से भी संपूर्ण जगत के संचालन में सहयोग करते हैं जबकि नंदी चैतन्यता का प्रतीक है जो खुले आँखों और खुले कान से व्यक्त अव्यक्त बातों का भान करता है भगवान शिव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े इसलिए नंदी चैतन्य अवस्था में उनके तपोस्थल के बाहर तैनात रहते हैं जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आता है नंदी उन्हें वही रोक लेते हैं किसी बाहरी विघ्न से शिवजी की तपस्या भंग ना हो इसलिए भक्त भी अपनी बात नंदी के कान में कह देते हैं और शिवजी के तपस्या से बाहर आने पर नंदी उन्हें भक्तों की सारी बातें जस की तस बता देते हैं भक्तों को यह भी विश्वास रहता है कि नंदी उनकी बात शिवजी तक पहुंचाने में कोई भी भेदभाव नहीं करते और वे शिवजी शिवजी के प्रमुख हैं इसलिए भी उनकी बात अवश्य मानते हैं नंदी के दाएं तरफ खड़े हो जाए नंदी के बाएं कान को अपने दाएं हाथ से बंद करके उनके दाहिने कान में अपनी मनोकामना व्यतीत कर दे मनोकामना व्यतीत करने से पहले नंदी के कानों में सबसे पहले कहना चाहिए ओम नमः शिवाय या हरि ओम या बम बम भोले या हर हर महादेव इस तरह सर्वप्रथम शिव जी की जयकारे लगाए तब ही अपनी मनोकामना व्यतीत करें इस तरह अपनी मनोकामना व्यतीत करने के बाद उनके पूछ को नमन करके उनकी विदा लें दोस्तों इन्हीं बातों का ख्याल हमेशा रखें जब भी आप शिव मंदिर में जाएं हर हर महादेव